हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट कॉलेज बीएससी नर्सिंग छत्तीसगढ़ की पूरी जानकारी इस वीडियो पर देने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर छात्र छात्राएं एडमिशन ले सकते हैं, क्या वहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इस वीडियो पर जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। पहला कॉलेज की बात करते हैं यहां पर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग। कहां पर है ये? फोर्थ फ्लोर, लेट चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कैंपस कचांदूर दुर्ग में है। ये पहला आपका गवर्नमेंट कॉलेज बताया दुर्ग का। यहाँ पर कट ऑफ रैंक क्या हो सकता है, कितने अंक पर ये कॉलेज आपको मिलने की संभावना है? चार राउंड की आपकी काउंसलिंग होती है, तो पहले राउंड पर आपका जो स्कोर होगा वो 60 से 70 के बीच में लाई करेगा। ये धीरे धीरे आपके मार्क्स कम होते जाएंगे उस पर आपको ये कॉलेज मिलने की संभावना रहेगा। तो यहाँ पर का आपका कट ऑफ रैंक हो सकता है 50 से लेकर यहाँ पर आपका 70 के बीच में। अगर आप अंक लाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो ये कॉलेज आपके लिए सेफ रहेगा, ये कॉलेज आपको मिलने की प्रबल संभावना रहेगा। ये फर्स्ट कॉलेज है 50 से 70 के बीच में। अलग अलग आपके राउंड पर अलग अलग मार्क्स पर आपको ये कॉलेज मिल सकता है। फिर आपका दूसरा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिहाइंड पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जे रोड रायपुर। तो यहाँ पर भी आपको हाईली रैंक देखने को मिलता है, तो यहाँ पर का भी स्कोर आपके 50 से लेकर 75 तक आपको बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम पर स्कोर करना होगा। अलग अलग राउंड पर आपके अलग अलग मार्क्स हो सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर आपको 50 से 75 अंक लाना पड़ेगा तभी ये गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का आपको संभावना है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, रायपुर के आसपास के लोकेशन, बहुत बेहतरीन ये नर्सिंग कॉलेज है। फिर आपका अगला बात करते हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर आरटीओ ऑफिस सिपत रोड लागरा बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर कितने अंक पर यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है? तो यहाँ पर आपको मिल सकता है 50 से लेकर आपके 65 स्कोर तक के ये कॉलेज आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग आरटीओ ऑफिस बिलासपुर। तो आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बिलासपुर से कर सकते हैं। आपको इतना अंक लाना पड़ेगा अलग अलग कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए अलग अलग अंक रहेगा। तो यहाँ पर ये कॉलेज आप देख सकते हैं। फिर आपका अगला कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग महारानी हॉस्पिटल कैंपस जगदलपुर बस्तर। तो यहाँ पर का कट ऑफ मार्क्स कितना हो सकता है? तो यहाँ पर का कट ऑफ मार्क्स आपका जा सकता है 45 से लेकर आपका यहाँ पर स्कोर जाएगा 65 तक के स्कोर जाएगा। यहाँ पर आप इस कॉलेज पर मिलने की संभावना रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बस्तर। फिर आपका अगला कॉलेज है गवर्नमेंट लेट स्मृति सुधा देवी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर वीर सवारकर भवन कबीरधाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीरधाम पर कवर्धा जिला। तो यहाँ पर का आपका कट ऑफ मार्क्स हो सकता है 40 से लेकर आपका यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स जा सकता है आपका 60 के बीच में, यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स रहेगा। तो ये कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर आपका अगला कॉलेज है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग फर्स्ट फ्लोर लाइवलीहुड भवन नमन कला अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट सरगुजा। तो यहाँ पर ये कॉलेज देख सकते हैं, यहाँ पर कभी कट ऑफ मार्क्स हो जाएगा आपका 40 से लेकर 60 के बीच में रहेगा, ये कॉलेज आप देख सकते हैं। फिर आपका अगला कॉलेज है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग रॉय ले आउट बिहाइंड रॉय एडवोकेट राजनांदगांव। तो यहाँ पर आपका कितना अंक पर मिल सकता है एडमिशन? तो यहाँ पर आपका स्कोर जा सकता है 50 से लेकर
यहाँ पर 65 के स्कोर के बीच में यहाँ पर आपको ये कॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं जाने की, अगर आसपास के लोकेशन में रहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर आपका अगला कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेट लखी राम अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कैंपस टीवी टावर रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़। तो ये आपका कॉलेज है रायगढ़ ज़िले पर। यहाँ का कट ऑफ मार्क्स आपका जाएगा 45 से लेकर यहाँ पर भी आपका 60 के बीच में स्कोर करेंगे तो यहाँ पर आपका मिलने का संभावना रहेगा। तो ये रहा आपके 8 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बीएससी नर्सिंग कॉलेज की जानकारी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।